नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो इंडियन सोशल वॉइस न्यूज और आपके साथ हूं मैं भारत वाणिका। साथियों, लंपी बीमारी को लेकर इंडियन सोशल वॉइस न्यूज पर लगातार मैं न्यूज कवरेज कर रहा हूं और लगातार आपको गायों की हकीकत और गौशाला में जाकर आपको लाइव तस्वीर भी दिखाया है। और लंपी बीमारी का केयर पूरे राजस्थान प्रदेश का अब देश का विषय बना हुआ है। अभी तक कोई वैक्सीन का इंतजाम या टीकाकरण की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है सरकार के द्वारा। और इसी कड़ी में गो सेवा के लिए आगे आए हैं सुंदा माता ट्रस्ट द्वारा राजस्थान के जालौर जिला मुख्यालय से करीब 105 किलोमीटर दूर और भीनमाल उपखंड से 35 किलोमीटर दूर रानीवाड़ा तहसील के दातलावास गांव के पास ऐतिहासिक एवं प्राचीन तीर्थ जो सुंदा माता मंदिर है उसके द्वारा चंचाली ट्रस्ट सुंदा माता ट्रस्ट एवं जालौर पशुपालन विभाग द्वारा एक दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया। और इस कैंप में रानीवाड़ा और जसमपुरा दोनों जगह पर निशुल्क दवाई डॉक्टरों की टीम के साथ वितरित की गई, गौशालों में जाकर दवाई की गई और अन्य जगह पर जो पशु थे जो लंपी बीमारी से ग्रसित थे उनका इलाज एक दिवसीय के लिए किया गया। और पूरे जो रानीवाड़ा और जसमपुरा क्षेत्र में पूरे दिन कैंप का अलग अलग डॉक्टरों की टीम के द्वारा इलाज किया। इसी बीच कार्यालय ग्राम पंचायत गांग में भी पशु चिकित्सा शिविर प्रभारी जो डॉक्टर बाबूलाल विश्नोई व ग्राम पंचायत गांग जो शिविर प्रभारी श्रवण कुमार मेघवाल व पारस दिवासी भी साथ रहकर ग्राम पंचायत गांग में गांग मंडाड़ी हीरपुरा और चिमंद गढ़ की जो गौशाला संचालित है उसके अलावा जो लंपी बीमारी से ग्रसित गाय उनका पूरे दिन इलाज भी किया। और ग्राम पंचायत गांग में दो गौशाला है, एक खोडेश्वर महादेव गौशाला, एक गलराम जी महाराज गौशाला, उसके बाद में हीरपुरा की गौशाला हो, सिमनगढ़ की गौशाला हो, मंडाड़ी की गौशाला हो, तमाम जाकर गौशाला के अलावा भी जो गाय जो पीड़ित थी लंपी बीमारी से उनका इलाज किया गया। ये दवाई की पूरी जिम्मेदारी सुंदा माता ट्रस्ट द्वारा की गई और एक दिवसीय जो पशुपालन विभाग जालौर की पूरी टीम लगाई और ग्राम पंचायत गांग में जो शिविर प्रभारी डॉक्टर बाबूलाल बिश्नोई साहब और ग्राम पंचायत गांग के जो प्रभारी है श्रवणलाल मेघवाल और उनके साथ पारस दिवासी ने मिलकर पूरे दिन गायों के लिए इलाज किया और दवाई वितरित की। उसके साथ साथ बाबूलाल बिश्नोई जी ने बताया कि गो भक्त है उनको बताया कि किस तरह से इन जो दवाई वो देकर गए उनकी किस तरह से लगानी है दवाई को, किस तरह से अभी गायों का जो बचाव है इनको क्या क्या चारा खिलाना उसके बारे में गो भक्तों को विस्तृत जानकारी भी दी। और सुंदर माता ट्रस्ट द्वारा ये एक विशेष पहल थी और इसके तहत कई गांवों का इलाज भी किया गया। और इस ऐतिहासिक कदम और एक जो डॉक्टर की पूरी टीम है उनके द्वारा एक ऐतिहासिक कार्य किया गया और पूरी टीम और जो सुंदर माता ट्रस्ट पूरी डॉक्टर जो पशुपालन विभाग जालौर तमाम को इंडियन सोशल वॉइस न्यूज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।